हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स यानी चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.12 के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक रिएक्शन ए और बी के बीच में हो रहा है। एक रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, एक रिएक्शन ए और बी के बीच में हो रहा है और ये यहाँ पर कोई प्रोडक्ट दे रहा है, मान लीजिए। अब सवाल में कहता है कि ये रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है और बी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का है। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट ए के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, बी के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का है ना। तब बोलता है कि आपके पास ये टेबल दिया गया है जिसमें चार एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इन चारों एक्सपेरिमेंट में जो कंसंट्रेशन टर्म है ए और बी का मोल पर लीटर में वो दिया हुआ है, साथ ही साथ चारों एक्सपेरिमेंट में जो रेट मिला है रिएक्शन का वो रेट भी दिया गया है, जिसमें की रेट कुछ में निकालना भी है, एक में, यहाँ पर कंसंट्रेशन दो में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ खाली टेबल जो दिया गया है उसको भरना है हम लोगों को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हम लोग रेट इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन टर्म को ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के इनटू ए टू द पावर कितना हो जाएगा 1। बी का टर्म तो गायब हो गया, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, इसलिए कतई डिपेंड नहीं करेगा इस बात पर कि बी का कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं। यानी देख रहे होंगे कि बी का कंसंट्रेशन हमें कहीं निकालने के लिए दिया भी नहीं गया है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि बी बोलता है कि भैया हम हाथ खड़े कर दिए हैं, तो हमको जो भी कर दो, यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन ले लो, हम इस रेट पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में यानी बी के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, तो जीरो ऑर्डर है। इतना तो समझ में आ गया, यानी कि कंफर्म है कि बी कुछ भी रखे उससे कोई मतलब नहीं है। अब सवाल में ये आता है कि यहाँ पर हम लोगों के पास रेट का टर्म है, रेट कांस्टेंट के है और यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट के अगर एक ही रिएक्शन है, उसके कितने भी फेजेस की बात करें, कुछ भी कंसंट्रेशन ले ले, लेकिन अगर रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट का मान भी क्या होगा, सेम होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो है ना, रेट कांस्टेंट ऐसा टर्म है, ऐसा चीज है जो चारों एक्सपेरिमेंट में कॉमन होगा, तो इसे पहले फाइंड आउट करना जरूरी है, और इसे फाइंड आउट करने के लिए रेट भी चाहिए और कंसंट्रेशन भी चाहिए, तभी रेट कांस्टेंट मिलेगा। तो सवाल वाला बड़ा बुद्धिमान है, वो आपके लिए एक्सपेरिमेंट 1 पूरी तरह से भर के दिया हुआ है और बोला कि ले बेटा यहाँ जाकर के ना तुम रेट कांस्टेंट का मान यहाँ से निकाल लो। तो चलिए हम लोग पहले रेट कांस्टेंट के मान को निकालते हैं, कहाँ से, एक्सपेरिमेंट 1 से निकालते हैं, और उसके बाद जाकर के हम लोग 2, 3, 4 में जो अननोन टर्म है उसको भी फिलअप कर लेंगे। तो पहले काम करना है हम लोग को एक्सपेरिमेंट 1 से। तो एक्सपेरिमेंट 1 से अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ पर रेट इज इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन है के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में 1 है। रेट एक्सपेरिमेंट 1 में है 2.010 to the power -2 इज इक्वल टू के इनटू ए का कंसंट्रेशन 0.1 यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड देयरफॉर के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻²⁺ बटे 0.1। अब 0.1 से ये 20 बार में कटेगा, अब 20 × 10⁻²⁺ करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100, यानी कि 0.2 हो जाएगा के का मान। अब ये के का मान जो होगा, डेफिनेटली ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि 1 + 0 पावर करेंगे तो ऑर्डर 1 होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट केवल टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम वो भी टी इनवर्स पर। तो यहाँ टाइम जो है वो मिनट में लिया गया है। आप बुक में देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो रेट जो वहां पर दिया हुआ है वो मोल पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पर मिनट, मिनट इनवर्स यहाँ पर के का मान हो गया। अब चलिए चलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 में। तो एक्सपेरिमेंट 2 की बात हम लोग करें अगर, तो यहाँ पर सेम इक्वेशन लिख लेंगे, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पर रेट एक्सपेरिमेंट 2 में हमको दिया हुआ है 4.010⁻², इज इक्वल टू के का मान आ गया है 0.2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। फाइंड आउट करना है तो ए को रख लिए यहाँ पर, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा ना, कि यहाँ पर से हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻²⁺ बटे हो जाएगा यहाँ पर 0.2।
तो यहाँ 0.2 से ये जो 4 कटेगा वो यहाँ उड़ेगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, और 20 × 10⁻², यानी 20/100 करेंगे तो ये 0.2 आएगा, ये आएगा मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन किसमें आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट 2 से प्राप्त कर लिया ए का कंसंट्रेशन, वो कितना है 0.2। और सेम ऐसे ही यही इक्वेशन में ले जाकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट 3-4 में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज जो है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप स्किप करके खुद से देख सकते हो, नहीं तो अगर हमारी थ्री से हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहो और देखो कैसे हम एक्सपेरिमेंट 3 और 4 से फाइंड आउट करते हैं रेट और कंसंट्रेशन को। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 3 की बात करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट 3 से अगर हम लोग चले तो सेम कहानी है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। अब 3 में यहाँ पर रेट निकालना है हम लोगों को, तो बड़ी आसानी है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं इज इक्वल टू के का मान 0.2 लिखे हुए हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.4 यहाँ पर है कि नहीं है, तो यहाँ पर जो हो गया कितना 0.08 हो गया। इसको लिख सकते हैं 8.0 × 10⁻², ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट में। तो यहाँ पर ये हमारा ये भी फिलअप हो गया कि अगर कंसेंट्रेशन ये हो तो रेट हो जाएगा 8.0 × 10⁻² कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। एंड एट लास्ट हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 4 की बात करें तो ये 2 के जैसा ही है, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर ए फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए बराबर हो जाएगा रेट बटे के, रेट यहाँ पर दिया हुआ है 2.0 × 10⁻², बटे के हम लोग 0.2 निकाल चुके हैं, तो ये 2 है, तो 2 और ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, 10 बार में कटेगा, यहाँ 10 बार में ये कटेगा, तो 10/100 करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 10/100 करेंगे 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 मोल पर लीटर हो गया, 0.1 हो गया ये। तो कितना आसान सा ये सवाल था, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से नोट भी इसको कर लिए होंगे। ऐसे एनसीईआरटी की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रेगुलर एनसीईआरटी की वीडियोस अपलोड की जाते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और अगर आपके मन में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है किसी बुक से या एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन को आप एडवांस तरीके से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या हमारे ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, या फिर आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करके वहां अपने क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।